2024 का भारतीय जनता पार्टी का नारा है, इस बार फिर मोदी सरकार, इस बार फिर भाजपा की सरकार। एक ही हमारा सिद्धांत है, विकास विरासत के साथ। विकास के मामले में जनता तक चीज़ें पहुंची हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हो या रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें आम आदमी तक पहुंची है, और विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक नया मुकाम हासिल किया है कि जो भी पात्र हितग्राही है, सरकार उसके दरवाजे पर गई, अगर वो पात्र था तो वहीं उसको लाभ मिला, और जो पात्रता नहीं रखते थे उनका आवेदन हुआ ताकि फिर से उस पर पुनर्विचार हो सके। सरकार ने किसी को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे ढूंढा कि कोई ज़रूरतमंद रह न जाए। काम करने की ये प्रणाली समय सीमा के भीतर लक्षित तौर पर कोई शेष न बचे, ये मोदी सरकार का संकल्प है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ हम मानते हैं, विकास तो हमें हर कीमत पर चाहिए, लेकिन विरासत के साथ चाहिए, और ये अभी अमृत काल का अमृत है जो निकल कर सामने आया है, मुद्दे क्या हो सकते विकास विरासत के साथ। जिस तरह से देखने को आया कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि इस तरह से, तो सर और इसमें सवाल क्या है, कहना सर और है? सवाल है मुझे लगता है कि ये तो कमलनाथ से पूछना पड़ेगा आपको। सर, कमलनाथ जी ने पत्र भेजे हैं राम नाम के नाम से, राम के नाम से पत्र भेजे हैं अयोध्या को कमलनाथ जी ने। राम के नाम से जो भी गर्व करेगा, हम तो पहले से कहते हैं कि जय श्री राम सलाह देते थे तब मानते नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने कई सारे आरोप लगाए थे ईवीएम को लेकर के, हाल ही में उन्होंने डेमो दिया था। सर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जब जब वो जीतते हैं तब चर्चा नहीं करते।